नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आज श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया गया। भगवती नगर बेस कैंप से तड़के 4 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इससे पहले सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टियों ने हाईवे की चेकिंग के बाद गाड़ियों की रवानगी के लिए आदेश दिया। बता दें कि गुरुवार तक देश भर से यात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप में 1600 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को इस बार टोबैको फ्री घोषित किया गया है। मतलब ये कि बालटाल और पहलगाम रूट पर अब तंबाकू या तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। पहली बार यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए श्रद्धालुओं को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट पर लगभग 2.5-3 किलोमीटर के टुकड़ों में यात्रियों को हेलमेट पहनकर जाना होगा। ये सुविधा श्राइन बोर्ड की ओर से निःशुल्क दी जाएगी। बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज़।